subscribe and click the bell icon for all the television updates. सीरियल इंटरनेट वाला लव में आ गया है एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। किसी ने आध्या की फोटो को एक अश्लील फोटो के साथ एडिट करके अपलोड कर दिया सोशल मीडिया साइट पर। फोटो वाली कंट्रोवर्सी से आध्या तो दंग रह गई। आध्या के घर वालों ने आध्या की फोटो देखते ही समझ लिया कि ये फोटो एडिटेड है, पर गर्म मिजाज पापा के गुस्से का पारा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। आध्या के पापा ने सारा इल्जाम जय पर डाल दिया और पापा ने कड़वे बोल के साथ साथ उन्हें अरेस्ट भी करवा दिया। आध्या ने पूरी कोशिश की जय को सही साबित करने की, पर पापा है कि मानने से रहे। अब जब आध्या के सर पर लग गई है चोट, तो उनकी माँ दवाई लगा रही होती है और उतने में पापा काफी गुस्से में तम तमाए घर में आते हैं और गुस्से में आध्या को कहते हैं कि वो काम करना छोड़ दे। सुन, अब बहस मत कर मेरे साथ और सुन ले, कल जाएगी दफ्तर तू, इस्तीफा देगी वहाँ पर, समझ में आ गई बात? तभी टीवी पर न्यूज दिखाई देती है जय के गिरफ्तार होने की। अब ये सब देखकर आध्या के पापा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस लड़के को जेल से निकालने की कोशिश कोई मत करना, बताओ गुस्से बुरा होगा। और सबको हिदायत दे देते हैं कि कोई जय को जेल से छुड़ाने की कोशिश ना करे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा साबित होगा। लेकिन जय के भाई सम्राट चुपके से पुलिस स्टेशन जाते हैं और जय के फोन से वो फोटो चुपके से डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस के पास जय को जेल में बंद रखने का कोई वैलिड रीजन नहीं होता। और इसी तरह काफी जद्दोजहद के बाद सम्राट ने आखिर अपने भाई को जेल से छुड़वा ही लिया। वेल, अब आगे कहानी में और क्या ट्विस्ट आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल आप जय और आध्या की लाइफ की इन छोटी छोटी परेशानियों से कितने एंटरटेन हुए, अपने लाइक्स और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और शो की रेगुलर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए टेली मसाला।